गाइस वेलकम है आप सभी लोगों का पार्ट वन के और एक नए मजेदार वीडियो में। और आज हम लोग खेलने वाले 100 मिस्टीरियस सेल्स की ओपनिंग। अभी देख रहे हो गाइस मेरे पीछे कितने सारे एग्स हैं। इन सारे एग्स को मैंने पार्ट वन के हर एक आयरन से ढूंढ ढूंढ के लाया है। लगभग काफी सारे अंडे हैं यहाँ पर, 100 से भी ज्यादा। और इन सारे मिस्टीरियस एग्स को मैं आज ओपन करने वाला हूँ। अभी फिलहाल कितने सारे इलेक्ट्रिक एग्स के अंडे जमा हो चुका है और उसके साथ साथ फायर टाइप भी अंडे मेरे पास जमा हो चुका है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड के अंदर देखा था, मैंने ब्रीड किया था सारे टावर बॉसेस को। इन सारे खतरनाक टावर बॉसेस में से दो खतरनाक टावर बॉसेस को मैक्स भी करने वाले, मतलब कि उसका पावरफुल 4 स्टार तक होने वाला है। जिसके बाद मैं इन सारे 4 स्टार पावरफुल पोकेमॉन को बैलेनियर लिब्रो के साथ फाइट करने वाला हूँ। सो गाइस आज ये वाले वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो पे जरूर से लाइक कर देना, और अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिलहाल के लिए गाइस चलते हैं हम लोग अपने पार्ट वन की दुनिया में। सो लेट्स गो। ओके सो वेलकम, हम लोग आ चुके हैं अपने पार्ट वन की दुनिया में और मेरे चारों तरफ इतने सारे अंडे हैं ना, मैं अभी फिलहाल कंफ्यूज हो रहा हूँ कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। फिलहाल के लिए मेरे पास जटर ड्रैगन आ चुका है और आज हम लोग पहले तो सबसे पहले इस जटर ड्रैगन का सैडल अनलॉक करने वाला है, क्योंकि मुझे यार इन सारे अंडे को ऊपर से देखना है कैसा लग रहा है ऊपर से देखने में। फिलहाल गाइस हम लोग करने वाला है जटर ड्रैगन का सैडल ओपन। आई थिंक सैडल यहीं से ओपन होने वाला है। ओके ये है जटर ड्रैगन का मिसाइल लॉन्चर। इससे बैठ के हम लोग जटर ड्रैगन के ऊपर से मिसाइल छोड़ सकते हैं बड़े बड़े पोकेमॉन्स के ऊपर। आई थिंक इसके बाद ही मैं जटर ड्रैगन के ऊपर बैठ सकता हूँ। आ जाए ना बीस बेटा, बना दे यार फटाफट। कहाँ है तू? वो क्या आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, फटाफट बना दे भाई, ये चीज़ मुझे अभी ज़रूरत है, प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर दे यार, ये होने में काफ़ी टाइम लगेगा। ओके ओके ओके, मुझे अभी याद आया गाइस मेरे पास 4 ऑस्ट्रेलियन भी है और इसका भी सैडल मुझे अनलॉक करना है, जिससे मैं बहुत ही जल्दी जल्दी से आसमान की ऊंचाइयों से चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, वो भी 4 ऑस्ट्रेलियन की ऊपर चढ़ के। काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई, इससे तो लगता है भाई आधा घंटा लगने वाला है इसको बनाने में, काफ़ी देर हो रहा है भाई। तब तक मैं थोड़ा सा एमओ भी बनाने दे दूँ क्या? मेरे पास एमओ की काफ़ी कमी हो चुका है, या फिर पालस्पेयर, मेरे पास पालस्पेयर भी नहीं है। वेट गाइस वेस, मेरे पास काफ़ी चीज़ें नहीं है, पालस्पेयर नहीं है मेरे पास, लेजेंडरी स्पेयर। ओके ओके है भाई, है लेजेंडरी स्पेयर है मेरे पास, 102 लेजेंडरी स्पेयर है, जिससे मेरा काम बन जाएगा। ऑल राइट सो ये अभी फिलहाल होने वाला है और थोड़ा सा ही लगने वाला है। ओके हो चुका है भाई, चलो भाई फटाफट ले लिया मैंने इसको। एंड यहाँ पर मुझे फ्रॉस्टलियन के लिए भी सैडल चाहिए था, बट इसके लिए मेरे पास लेदर की कमी हो चुका है, तो मुझे अभी फिलहाल लेदर भी चाहिए। फ्रॉस्टलियन का सैडल अभी हम लोग करने का बनता है यार, अभी लेदर मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। उसके पहले हम लोग जटर ड्रैगन के ऊपर राइड करके देख लेते हैं। ओ ओ ओ ओ भाई भाई भाई, मजा आ गया, क्या लग रहा है भाई साहब, और हम लोग कितना ऊपर तक जा पा रहे हैं? ओ तेरी, ओ भाई कितना ऊपर, ओ भाई आसमान के ऊपर आ गया। और यहाँ से मेरा बेस देखो गाइस, मेरा बेस नीचे देखो कितना छोटा लग रहा है। ओ भाई साहब कितना ऊपर आ गया मैं, और अभी भी मैं ऊपर चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ। लगता है भाई इस पार्ट वर्ल्ड की दुनिया से मैं ऊपर कहीं चांद में चला जाऊंगा और वहां से मैं देख सकता हूँ गेम को क्या? अच्छा ज्यादा ऊपर तक नहीं गया, वैसे काफी ऊपर तक भी गया था, मतलब क्या बताऊं, देख सकते हो आप लोग कितना ऊपर तक गया था ये। अभी फिलहाल नीचे जा रहा है और ये गिर के मरने वाला है क्या? आई डोंट थिंक ये मरने वाला है। ओके 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 ओके, ओ भाई ये क्या हुआ, देखो देखो देखो, ये जमीन तक नहीं गया भाई, मिडिल में ही आके यहाँ पे रुक गया और अपना देखो अपना स्टेमिना एकदम से फूल हो गया यार। यहाँ से मैं अपने बेस में जा सकता हूँ क्या? उड़ के जाऊंगा क्या अपने बेस पे? मेरा बेस इस साइड में है, ठीक है, तो मतलब हमें इस साइड में जाना पड़ेगा, सही जा रहा ना? ओके यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा हम लोगों को। ये कौन सा आइलैंड है? ओके विंड आइलैंड है। ओके वो जो दूर में गोल वाला एक आइलैंड दिख रहा है ना, वही विंड आइलैंड है, वो देखो देखो उसके बगल में हमारा बेस है वहाँ पे, ठीक है, बेम्बू ग्रोव्स में हमारा बेस है और हम उड़ के जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कितना दूर जा पाता है भाई साहब, कितना जल्दी जल्दी जा पा रहे यार, और ये खाना भी खा रहा है, काफी तेज तेज खाना खा रहा है। मेरे पास खाना है ना, वो काफी सारे खाना है। ओके हॉट मिल्क है काफी सारे, टेंशन नॉट, हम लोग काफी दूर तक जा सकते हैं भाई, मजा आएगा भाई, मजा आ गया इसको चला के, मजा आ गया आज तो। खैर गाइस हम लोग काफी दूर तक आ चुके थे, इससे बढ़िया हम लोग, ओ फ्लॉपी साइनी फ्लॉपी भाई, इसको पकड़ना पड़ेगा, इसको पकड़ना पड़ेगा भाई, आजा बेटा
एक ही पास पर में आ जाएगा। लीजेंडरी स्वैप फेंका मैंने। ओ इसके पास लकी वाला स्किल्स है, वाओ काफी बढ़िया भाई। चलो गाइस हम लोग फर्स्ट लेवल का इस्तेमाल करके अपने बेस पे चलते हैं और फटाफट से 100x की ओपनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जेटर ड्रैगन के ऊपर मैं चढ़ जाता हूँ एक बार। ओके देखो ऊपर से हुआ, कितने सारे एक इनक्यूबेटर में मैंने एक लगा दिया। ठीक है ये सारे मिस्टीरियस एग्स है यहाँ पे। यहाँ से मैं देखो कितने सारे देख रहे, देखो कितने सारे, काफी सारे है, 100 से भी ऊपर। अच्छा मैं बैठ के भी इनक्यूबेट कर सकता हूँ, वैसे बैठ के करने की जरूरत नहीं है, इससे तो भाई काफी मजेदार लग रहा है। देखो भाई फिलहाल तो सबसे पहला हम लोग ओपन करने वाले हैं इधर से। ठीक है उधर से ओपन नहीं, उधर ज्यादा डार्क टाइप है ना, इधर काफी बड़े बड़े अंडे को मैंने रखा है। ठीक है पहले तो छोटे अंडे को ओपन करेंगे, उसके बाद बड़े बड़े अंडे को ओपन करने वाला है जिससे लेजेंडरी पोकेमॉन निकलने वाला है भाई। सबसे पहला यहाँ पर एक सॉचिंग एग है, इसको हम लोग ओपन करते हैं। चलो देखते हैं इससे क्या निकलता है। ओके कल्प सैग्निस मिला है और इसके पास कुछ खास स्किल्स नहीं है, और इससे क्या निकलने वाला है अभी फिलहाल एक कमन है गया। डीआरओ मिला है मुझे और इसके पास भी कुछ खास स्किल्स नहीं है यार। अच्छे स्किल्स वाला पोकेमॉन चाहिए और उस अच्छे स्किल्स वाले पोकेमॉन को हम लोग बेच के काफी ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं यार, मर्चेंट को बेच कर। एक तो डीआर मिला है, ओके ठीक है इससे क्या निकलने वाला है देखते हैं। लर्ज डेम्बिक, ओके अजीरो भी मिला है भाई, कितने ज्यादा खतरनाक पोकेमॉन निकल रहा है, हर एक में से अलग अलग टाइप के पोकेमॉन निकल रहा है और ये सारे अंडे अलग अलग टाइप के आइलैंड्स आए। और देखो यार सर्पेंट मिला है और इसके पास कौन सा एबिलिटी था भाई, रनर वाला एबिलिटी था, मतलब भाई ये काफी ज्यादा भागने में माहिर होने वाला है, मतलब इसका स्पीड काफी ज्यादा होने वाला है। फिलहाल मेरे पास और एक सॉर्टिंग एग आ चुका है। ओ भाई इंस्टेंट रैम मिला है, माइंड फोरेम इसके पास एबिलिटी है और ये एबिलिटी किस काम में आते हैं वो मुझे देखना पड़ेगा एक बार। अभी नेक्स्ट कौन सा एग है, यहाँ पर कुछ डार्क टाइप एग्स है, इनको ओपन करते हैं। रुको रुको रुको, ह्यूज डार्क एग भाई। ओ तेरे शैडो विंग मिल चुका है भाई साहब, लेवल 1 का शैडो विंग, ये 50 लेवल का शैडो विंग नहीं है, इसको हम लोग लेवल अप भी करने वाले हैं नेक्स्ट। फिलहाल के लिए और एक ह्यूज डार्क एग है, इससे क्या निकलता है। ओ तेरी भाई यहाँ से भी शैडो विंग निकला है, आई थिंक सो यहाँ पे सारे शैडो विंग के अंडे है का, देखते हैं। ह्यूज डार्क एग और एक है यहाँ पे, इसके साइड में भी और एक ह्यूज डार्क एग है, शैडो विंग भी मिला है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे सैडोविक के अंडे हैं भाई, ये वाला अंडा ओपन करता हूँ। रुको रुको रुको, ह्यूज टारगेट सैडोविक ही निकल रहा है भाई, यहाँ पर सारे सैडोविक निकल रहा है, कितना सारे सैडोविक है। रॉकी एग ओपन करके देखते हैं भाई क्या निकलता है यहाँ से। ओह भाई साहब फटलर मिला है और ये वाला पोकेमॉन आई थिंक मेरे पास एक ही है अभी तक तो यार, इसके पहले मैंने इसको पकड़ा भी नहीं था यार। चलो सही बात है भाई, फिलहाल और एक सॉर्चिंग एग है यहाँ पर, इससे क्या पोकेमॉन निकलता है। वैनवर्म निकला भाई साहब, वैनवर्म, और ये तो कुछ स्किल्स है इनके पास, कुछ खास स्किल्स है, मुझे ऐसा लग रहा है ये साइनी वैनवर्म है भाई। बॉन चेरी मिला यहाँ से, ओके ओके आगे एक आइस फ्रोजन टाइप पोकेमॉन का अंडे है भाई, इसको ओपन करते हैं। अरे भाई साहब रिंटिक्स मिला, कितना ज्यादा खतरनाक पोकेमॉन निकल रहा है गाइस। मैं जैसे कि आप लोगों को पहले बताया था भाई, ये सारे अलग अलग टाइप के अलग अलग आइलैंड के अंडे हैं भाई साहब, क्या ही खतरनाक हर एक आइलैंड का पोकेमॉन निकल रहा है। वो देखो गाइस विक्स निकला और इसके पास आर्टिसियन का भी स्किल्स है भाई, वो भाई मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। यहाँ से कौन सा पोकेमॉन निकल रहा है, लार्ज ड्रम बैग है, पिंकिंग मिला है भाई साहब, इसके पास कौन सा, देखो स्ट्रॉन्ग होल्ड का पैसिव स्किल्स है भाई भाई भाई, मजा आ गया भाई। और एक डंप है गए यहाँ पे, अरे सिलरी मिला है वैंग अवार्ड वाला, इसके पास स्किल्स है काफी ज्यादा सही है भाई, काफी ज्यादा सही है। पहले तो मैं इन सारे अंडे को निकालता हूँ और यहाँ पर हम लोग ओके, यहाँ से एक वैडस निकला है डायनोसम। ओ नो 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 नो, रेड आ चुका भाई, रेड आ चुका, ऊपर से रेड आ रहा है। रुको रुको रुको, मैं अपने जेटर ड्रैगन का यहीं पे छोड़ता हूँ भाई, ऊपर से रेड आ रहा है, जा बेटा जा बेटा, उनको रेड आने से रुकना है तुझे, ठीक है ना, तब तक मैं यहाँ पे रुको रुको। एक काम कर सकते हैं कैसे हम लोग एक काम कर सकते हैं, अभी मुझे आइडिया आया मेरे दिमाग में, अभी जेटर ड्रैगन के ऊपर मैं बैठता हूँ ठीक है, और कहाँ से रेड आ रहा है ना, मैं जाके उनको मारने वाला हूँ। वो देखो देखो तो, ओ भाई भाई यूनिवोल्ट आ रहा है, यूनिवोल्ट आ रहा है, और दो दो कुछ तो यूनिक पोकेमॉन आ रहा है यार, कुछ तो यूनिक पोकेमॉन आ रहा है यहाँ से। वो देखो दो दो यूनिक पोकेमॉन, वो देखो वो कौन सा है, ओ वो लोग नीचे कूद रहा है, नीचे कूद रहा है, अरे नीचे कूद के मार रहा है भाई, नीचे कूद के मार रहा है।
इससे कुछ मैं कर सकता हूँ क्या? ओह भाई साहब मिसाइल, देखो 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 किस तरीके से मिसाइल छोड़ रहे जेट ड्रैगन से, भाई मजा आ गया भाई। ओह भाई साहब फायर भी छोड़ सकता हूँ, फायर भी छोड़ सकता हूँ। ओह भाई 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 मजा आ रहा है। फायर छोड़ दिया उन सारे सारे पोकेमॉन्स के ऊपर, फायर छोड़ दिया मैंने। जस्ट मिनट, इनके ऊपर तो मिसाइल छोड़ेगा भाई, इतना मिसाइल छोड़ेगा ना सब मरने वाला है, सब मरने वाला है भाई। मिसाइल की कमी नहीं है, मिसाइल की कमी नहीं है, मिसाइल की कमी नहीं है। अभी तक सारे आ रहे हैं, अभी तक सारे आ रहे हैं। वैसे वो लोग काफ़ी डैमेज हो चुका है, अभी इतना दूर आके कुछ खास मेरा कुछ उकार नहीं पाएगा। ओके ओके यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। बेटा बेटा इतना मारा, इतना मारा, याद नहीं आया क्या? बॉम्ब गिरने वाले तुम लोगों पर, बॉम्ब गिरने वाला भाई। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ वरना मरने वाले हो तुम सारे, मरने वाले हो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जट ड्रैगन को छोड़ दो भाई। देखो अभी जट ड्रैगन सबको धुलाई करने वाला है, सबका धुलाई करने वाला है। देखो 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 वो लोग कैसे भाग जा रहा है भाई, कैसे भाग रहा है बेटा। मजा आया ना बेटा, आ रहा था मेरे साथ पंगा लेने। वो देखो वो देखो, अरे अरे इधर से आ रहा है मेरे पास, मेरे पास ये ले बेटा। मजा आया, भाग रहा है अभी, सारे भाग रहे हैं। मारने का मन तो नहीं कर रहा था वैसे। ओके फिलहाल मेरे सामने एक वर्डेड एग है, इसको ओपन कर दे। फ्लॉप ही मिला है, नाइस। पायरिन मिला है, मेरे पास पायरिन अभी तक दो ही था, क्या बात है यार। मुझे तो लगा था और भी पायरिन होगा मेरे पास। ओ ओ पेंगुलेट मिला, पेंगुलेट नाइस पोकेमन। लास्ट वॉचिंग है, किट्सन मिला भाई साहब, ये काफी रेयर पोकेमन है किट्सन। लास्ट टाइम मैं इसको पकड़ने गया था, ये सिर्फ रात के टाइम में मिलता है, वो भी स्पेसिफिक एक आइलैंड में ही मिलता है, बस रात के टाइम में, और कहीं पे भी मिलता नहीं है भाई। किट्सन काफी रेयर पोकेमन है। और ये देखो ह्यूज डम्ब एग से क्या निकलता है, शैडोविक निकल गया भाई। काफी सारे शैडोविक आ रहे हैं भाई, काफी सारे शैडोविक के अंडे मैं शायद के ला चुका हूँ। ओके ये लुनारिस है आई थिंक, ये थोड़ी देर पहले रेड करने आया था ना, ये लुनारिस ही था। अरे ये क्या है भाई, देखो गाइस यहाँ पे अंडा है एक, लार्ज कॉमन एग, बट मैं यहाँ पे इसको ओपन कर नहीं पा रहा हूँ भाई। देखो यहाँ पे पहले से ही इसको मैंने रखा था। ओके 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 देखो 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 देखो, देखो। कुछ तो हो रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं। देखो मैंने अंडा दे दिया, ये इनक्यूबेट हो गया, ठीक है तुरंत ही इनक्यूबेट हो जा रहा है, बट ये ओपन क्यों नहीं हो रहा भाई। खैर शायद से इस इनक्यूबेटर में कुछ तो गड़बड़ी है, इसको हटा देता है। इस इनक्यूबेटर में कुछ तो दिक्कत होगा भाई, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक इनक्यूबेटर यहाँ पे बिल्ड करता हूँ, नया वाला बिल्ड करता हूँ। रुको वैसे नया इनक्यूबेटर बिल्ड करना पड़ेगा यहाँ पे, आई थिंक सो। हो जा, ओके हो गया। फिलहाल इसके साइड में एक सॉचिंग है, इसको ओपन किया, फ्लैमेबल मिला। ओके फ्लैमेबल भी मेरे पास दो ही हुआ है अभी तक तो। लार्ज कॉमन है, इससे क्या निकलता है, लवेंडर निकला भाई साहब। अलग अलग टाइप के, हर एक टाइप के पोकेमन, इतने तक मैंने जितने भी पोकेमन निकाला है ना, शैडोविक निकला है काफी सारे, बाकी सारे अलग अलग टाइप के पोकेमन मुझे मिल रहा है। लिम्फुक निकला है एक, पायरिनॉट मिला भाई, पायरिनॉट क्या बात है। इससे कौन सा पोकेमन, डंप एग है ये। देखो गाइस स्टीफन निकला है, जितने भी पोकेमन निकल रहा है भाई सारे अलग अलग टाइप के पोकेमन। क्लब्स एग्निस निकला है, और इसके पास स्ट्रांग होल्ड स्ट्रेटेजिस्ट है भाई साहब, मजा आ गया भाई। यहाँ पर एक सॉर्चिंग एग है, केल्प्स एग्निस निकला है भाई। आज तो मेरा ईएक्सपी काफी ज्यादा होने वाला है, केल्प्स एग्निस नाइस। और यहाँ पर और एक डैम्बेग है, पेंगुलेट निकला है। ओके पेंगुलेट मेरे पास 10 हो चुका है। सुजाकू एक्वा निकला है भाई, सुजाकू एक्वा निकला है भाई साहब, खतरनाक पोकेमन सुजाकू एक्वा। इसको तो मैं भाई लेवल अप करने वाला हूँ। सारे पोकेमन जो भी 10-10 हो जा रहा है ना, उन सबको मैं इनक्यूबेट करने वाला हूँ आज तो। इनक्यूबेट तो कर रहा हूँ मतलब कंडेंस करने वाला हूँ, कंडेंस करने के बाद फिर काफी मजा आने वाला है उससे भाई, काफी खतरनाक 4 स्टार तक होने वाले सारे पोकेमॉन, ठीक है। फिलहाल ये कौन सा पोकेमॉन है, अंडा है। ओके शैडोविक 9 हो चुका है, और एक निकालेंगे तो आई थिंक 10 हो जाएगा। यहाँ पर और एक शैडोविक निकल सकता है। ओके 10 शैडोविक हो चुका है हमारे पास, और अभी फिलहाल रात का टाइम भी होने वाला है गाइस। जब तक रात नहीं होता है तब तक मैं फटाफट से नीचे जितने भी इलेक्ट्रिक अंडे हैं ना, देखो काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक अंडे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारे अंडे इनक्यूबेट होने दिए थे। देखो इनसे कौन सा पोकेमॉन निकलता है। ओके ग्रीस बोल्ट, ये सारे ग्रीस बोल्ट के अंडे हैं। आज तो गाइस हम लोग ग्रीस बोल्ट को भी मैक्स करने वाले हैं 4 स्टार तक। एंड ओके ये भी ग्रीस बोल्ट का अंडा है। ओ भाई देखो इसके पास कौन सा स्किल्स है, मसल हेड वार कॉली
भाई साहब रुको रुको रुको, फटाफट से मैं सारे ग्रिस गोल्ड के अंडे उठाता हूँ और सारे अंडे को मैं इनक्यूबेट होने लगा देता हूँ पहले तो, सबसे पहले, वरना देखो काफ़ी अंडे जमा हो गए थे यहाँ पर। इन्वेंटरी भी फुल हो गया भाई, मेरा इन्वेंटरी भी फुल हो चुका है। अब मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, उतना दूर जा नहीं सकता, इतना दूर तो चला जा यार, ऊपर ही चढ़ जा एक बार में, ऊपर भी चढ़। देखो गाइस एक बार में ऊपर चढ़ जाता ना तो मज़ा आ जाता यार। ये पकड़ ही नहीं रहा है, ज़्यादा दूर पकड़ नहीं रहा है, आई थिंक पकड़ लेगा इस बार, नहीं पकड़ रहा है यार, यहाँ से तो पकड़ ले। ओके 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 ओके, अरे अरे अटक गया अटक गया अटक गया, चलो ऊपर ऊपर पकड़ ले, चल 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 बेटा। अरे यार ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, मुझे लगा तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे चलता है, देखो यहाँ पे चलता है, देखो 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 कैसे लटक गया, कैसे लटक गया भाई, काफ़ी मुश्किल से ऊपर आया। चलो चलो गाइस यहाँ पर हम लोग सारे इलेक्ट्रिक टाइप अंडे को मैं लगा देता हूँ फटाफट से, क्योंकि इन सारे अंडे को इनक्यूबेट होने में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। 100 से भी ऊपर, 200 से भी ज़्यादा अंडे, इलेक्ट्रिक टाइप अंडे मेरे पास जमा हो चुका है, ठीक है। तो आज मैं ग्रिस बोल्ट को मैक्स करने वाला हूँ, और उसके बाद और एक फायर टाइप अंडे आया, उससे कौन सा पुकार निकलता है वो देखता है। अरे इस अंडे में कुछ तो कमी है भाई, ये अंडा जब भी मैं देता हूँ भाई इनक्यूबेट हो जाता है, बट ये देखो यार ये इनक्यूबेट तो हो जाता है बट ये ओपन नहीं हो रहा है भाई, ये अंडा पता नहीं ये ओपन ही नहीं हो रहा भाई, कुछ तो गलत ही सीन चल रहा है इस अंडे के साथ। इसको मैं फेंक ही दूंगा भाई, इस अंडे को मैं फेंक दूंगा, रुको इसको मैं फेंक दूंगा भाई, बाहर कहीं फेंक के आऊँगा, ठीक है ना, अपने बेस में फेंकूंगा, बाहर ही फेंक दूंगा। इस अंडे में कुछ तो दिक्कत है भाई, लगता है अंडा ख़राब हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है ये अंडा ख़राब हो चुका है, ठीक है। मैं इसको यहीं पे फेंक रहा हूँ, ये अंडा इनक्यूबेट नहीं हो रहा है, देखो लर्ज को मोनाइक था ये, आई थिंक ये अंडे में कुछ तो खराबी हो चुका है, अंडा सड़ गया ऐसा लगता है, अंडा सड़ गया ये वाला। खैर इसके मम्मी पापा कौन है काफ़ी ज़्यादा दुख में होंगे, ये अंडा सड़ गया इसीलिए। ओके फिलहाल यहाँ पर काफ़ी सारे अंडे हैं, इन सारे अंडे को मैं ले लेता हूँ। ऑलराइट गाइस मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे, देखो काफ़ी सारे ग्रिस बोल्ट के अंडे मैंने दे दिया इनक्यूबेट होने। अभी फिलहाल रात हो चुका है तो मैं गाइस सोने चलता हूँ, और कल सुबह उठ के मैं सारे अंडे को ओपन करने वाला हूँ। फिलहाल मैंने यहीं पे एक मेरा टेम्पररी यहाँ पर रहने का एक बिस्तर लगा दिया है, देखो यहाँ पर घर भी नहीं है, ये मेरा ब्रीडिंग फार्म है, और अभी घर कौन जाएगा भाई, यहीं पर सो जाता है, ठीक है, क्योंकि कल सुबह उठ के मुझे यहीं पे काम करना है, तो फटाफट सोने चलते हैं। और लाइट गाइस गुड मॉर्निंग हो चुका है, और एक प्यारा सा सुबह, और आज हमारे पास काफ़ी सारा काम है। वैसे तो सबसे पहले मेरे पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक अंडे हैं, और इन सारे अंडों से मुझे ग्रिस बोल्ट निकलने वाला है, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर काफ़ी सारे अनोखे अनोखे मिस्टीरियस लेजेंडरी पोकेमॉन के अंडे भी है, तो सबसे पहले तो गाइस मैं फटाफट से ग्रिस बोल्ट के अंडे को इनक्यूबेट कर लेता हूँ, जितने भी अंडे हैं तो इनको करने में काफ़ी वक्त लगने वाला है, तो मैं फटाफट ये कर लेता हूँ, उसके बाद ये बाकी अंडों को मैं ओपन करने वाला हूँ। सो गाइस लेट्स गो, हम लोग अभी ग्रिस बोल्ट के अंडे इनक्यूबेट करने वाला है। ओ भाई पहला ग्रिस बोल्ट निकला है, और इसके पास देखो कितने सारे भाई स्किल्स निकला भाई, 3 स्किल्स था इसके पास, मसल हेड क्रिस्टल एम्परर, भाई साहब क्या क्या सारे स्किल्स निकल रहा है यार, स्पिरिट एम्परर भाई साहब ये सारे पावरफुल, वो देखो मसल हेड स्पिरिट एम्परर, मतलब हर एक अंडे से मुझे स्किल्स वाले ग्रिस बोल्ट निकल रहा है भाई। देखो इसके पास लीजेंड वाला स्किल्स है, पैसिव स्किल्स, हर एक ग्रिस बोल्ट पैसिव स्किल्स वाले ग्रिस बोल्ट के अंडे है ये सारे, देखो लीजेंड निकला है भाई 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 भाई, भाई। जो भी ओपन कर रहा हूँ कुछ ना कुछ इनसे स्किल्स निकल ही रहा है, मुझे इनमें से बेस्ट स्किल्स वाला एक ग्रिस बोल्ट चाहिए, और उस ग्रिस बोल्ट को हम लोग कंडेंस करने वाले हैं। लॉर्ड ऑफ अंडर वाटर ना कुछ तो था, रनर साइरन ऑफ वॉइड, भाई ये कौन से स्किल्स है मुझे भी नहीं पता है भाई साहब, कितने खतरनाक स्किल्स होने वाली है सारे। देखो साइरन ऑफ वॉइड सारे स्किल्स को मैं चेक भी करने वाला हूँ, कौन से स्किल से कौन से टाइप का अटैक पावर हम लोगों को मिलता है। फिलहाल काफ़ी सारे पोकेमॉन है, मैं इन सबको निकाल लेता हूँ, मतलब भाई एक दो नहीं था भाई, लगभग यहाँ पर 50 से भी ऊपर होगा भाई, आई थिंक सो, हर एक से अनोखे टाइप का, हर एक से अनोखे टाइप का। देखो वारकोलिक भाई, वारकोलिक निकल गया भाई साहब, ग्रिस बोल्ट वारकोलिक ग्रिस बोल्ट, लॉर्ड ऑफ अंडर वर्ल्ड भाई, लॉर्ड ऑफ अंडर वर्ल्ड ये कौन सा स्किल है, अंडर वर्ल्ड का लॉर्ड है क्या, अंडर वर्ल्ड है क्या, इस पाल वर्ल्ड में जो अंडर वर्ल्ड रहता है उसका लॉर्ड है भाई,
समझ रहे हो कौन सा स्किल बहुत ही खतरनाक स्किल है भाई, यूज इलेक्ट्रिक एक रनर। ओके अब इसके ऊपर बैठ के मैं काफी जल्दी जल्दी भाग सकता हूँ। वो देखो लीजेंड निकला, मोटिवेशन लीडर निकल गया, गिजबोर्ड वाज बॉर्न भाई, गिजबोर्ड वाज बॉर्न मसल हेट रनर मसल हेट। ओके यहाँ पर सारे मसल हेट निकल रहा है, वर्कहोलिक निकल गया भाई साहब, क्या ही खतरनाक ग्रिजबोर्ड निकल रहा है। रुको इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रिजबोर्ड कौन सा है वो मैं देख लेता हूँ एक बार। मेरा पाल बॉक्स भी फुल हो चुका है गाइस, फटाफट ग्रिजबोर्ड को क्वारंटाइन करना पड़ेगा ठीक है ना, ये सारे पोकेमॉन्स वेस्ट जा रहे होंगे आई थिंक सो। अरे मैंने तो काफी सारे ग्रिजबोर्ड अनलॉक कर लिया था भाई। ओके ओके यहाँ पर लेवल 1 के हैं काफी आई थिंक। ये देखो ये एक अल्फा टाइप ग्रिजबोर्ड है और ये साइनी टाइप ग्रिजबोर्ड है ठीक है, ये 40 लेवल का है वैसे ठीक है, और ये अल्फा टाइप है ये 1 लेवल का है ठीक है। इसी को करते हैं भाई कंडेंस करते हैं ठीक है, इसी को कंडेंस करने वाला है, इसके साथ कंडेंस करने वाला है इन सबको। टू स्टार तक हो चुका है लेकिन मैंने यहाँ पे अल्फा टाइप जो ग्रिजबोर्ड है इसको छोड़ दिया है, बाद में मुझे एक साइनी अल्फा टाइप ग्रिजबोर्ड चाहिए उसके लिए मैंने इसको छोड़ दिया है ठीक है। फिलहाल बिगिन कंडेंस करते हैं। ओके मेरे पास अभी जो ये ग्रिजबोर्ड आ चुका है इसका लेवल 2 स्टार हो चुका है, वाओ वाओ क्या बात है। और यहाँ पर मेरे पास बेकन काफ़ी सारे हो चुका है, बेकन को भी हम लोग कर सकते हैं कैंडेंस क्योंकि काफ़ी सारे पोकेमॉन ज़्यादा हो चुका है मेरे पास और इससे तो एक स्टार तक हो पा रहा है। चलो भाई एक स्टार कर लेते हैं ठीक है ना, ये बेकन देखो एक स्टार हो चुका है। फिलहाल और कौन से पोकेमॉन ज़्यादा है मेरे पास देखता है, सैडोविक भी है काफ़ी सारे, सैडोविक भी हम लोग बाद में करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे ग्रिजबोल्ट का वो हो चुका है यार, मतलब मैं काफ़ी टाइम से अनलॉक कर रहा था ना, मतलब काफ़ी टाइम से इनक्यूबेट कर रहा था तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, मेरा पाल बॉक्स फुल हो चुका था। फिलहाल के लिए मैंने काफी सारे ग्रिजबोल्ट का अंडा इनक्यूबेट कर दिया है और पाल बॉक्स भी फिर से फूल हो गया भाई। रुको लास्ट टाइम मैं कौन से ग्रिजबोल्ट को कर रहा था, इसको कर रहा था ठीक है, ये देखो 2 स्टार तक हो चुका है ठीक है, इसके साथ मुझे बाकी ग्रिजबोल्ट को कंडेंस करना है। ओके ओके यहाँ पर मुझे और एक अच्छा वाला ग्रिजबोल्ट का वो निकला है, मतलब अल्फा टाइप, देखो इसके पास लीजेंड है, मोटिवेशनल लीडर है, वर्कहोलिक है और इसके पास स्विफ्ट लीजेंड फ्यूरियस लॉट ऑफ लाइटनिंग। ओ भाई साहब ये काफी खतरनाक ग्रिजबोल्ट है भाई, मानना पड़ेगा इस साइनी ग्रिजबोल्ट को मानना पड़ेगा भाई ठीक है ना। फिलहाल के लिए मैं इन दोनों को छोड़ दे रहा हूँ ठीक है फिर से, एंड इनको करते हैं बाकी को करते हैं हम लोग कंडेंस। ओ काफी सारा अल्फा टाइप निकला है भाई, मसल निकला है, 3 स्टार तक हो चुका है भाई, 3 स्टार तक हो चुका है और देखो अभी भी मुझे 62 ग्रिजबोल्ट चाहिए इसको 4 स्टार तक करने के लिए भाई साहब, काफी सारे ग्रिजबोल्ट चाहिए। 3 स्टार तक मैंने कर दिया ठीक है, अभी भी मुझे 62 ग्रिजबोल्ट चाहिए और आई थिंक सो मेरे पास 62 अंडे है भाई, देखना पड़ेगा मुझे सबसे पहले तो 62 अंडे मेरे पास है कि नहीं है। मैं क्या करके उठाता हूँ यहाँ पे कितने अंडे है, यहाँ पर 9 अंडा मिला ठीक है, अभी भी चल रहा है इनका ब्रीडिंग, अभी भी चल रहा है ठीक है। ऑलराइट गाइस मैंने काफी सारे ग्रिजबोल्ट को इनक्यूबेट कर दिया है लेकिन यार अभी फिलहाल मेरा फिर से पाल बॉक्स फुल हो चुका है तो दोबारा से मैं इनको कंडेंस करने वाला हूं अपने इस ग्रिजबोल्ट को दूसरे ग्रिजबोल्ट के साथ। सो कैसे ऑलराइट गाइस मैंने कंडेंस कर लिया है इन सारे ग्रिजबोल्ट को और अभी फिलहाल थोड़ा सा ग्रिजबोल्ट का अंडा मेरे पास बच गया है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने अपने ग्रिजबोल्ट को मैक्स कर लिया है भाई, अभी दिखाता हूँ आप सभी को ठीक है। मेरे पास वो जो ग्रिजबोल्ट आ चुका है उसका लेवल अभी हो चुका है 4 स्टार। ओके ये एक वाला ग्रिजबोल्ट है और इसका लेवल 40, इसको हम लोग 50 लेवल करने वाले हैं अभी फिलहाल के लिए, तो फिलहाल मैं इसको छोटे लेता हूँ यार। ओ तेरी भाई काफी बड़ा ग्रिजबोल्ट है भाई, मुसंडल इसके साथ पंगा लेने जा रहा है का, थोड़ा सा ग्रिजबोल्ट बच गया भाई, इन सारे ग्रिजबोल्ट को मैं बेचने वाला हूँ ठीक है।
बाकी जो भी गिजबोर्ड है। अच्छा ये अंडा तो उठा ले भाई, ओके उठा लिया। और ये देखो कितना तेज तेज दौड़ रहा है भाई, कितना तेज तेज दौड़ रहा है। इसके पास रनर वाला स्किल्स है ना, ये काफी तेज दौड़ रहा है इसीलिए। खैर गाइस हमारे पास बाकी जितने भी मिस्टीरियस अंडे हैं इन सारे अंडे को हम लोग फिलहाल ओपन करते हैं। यहाँ पर एक लार्ज सर्चिंग आ गया, यहाँ पर मेरे पास रिप्टेरो निकला है, वर्डेंट एग से क्या निकला है, कैप्रिटी निकला है, फ्रोजन एक है, लार्ज फ्रोजन एक इससे निकला है, क्रायलिंग्स निकला है, काफ़ी सही है यार क्रायलिंग्स, सैडविक निकला है और एक, मतलब जितने भी डार्क मेरे पास अंडे है ना उन सारे अंडे से सैडविक निकला है, रेंडिस निकला है, क्या बात है भाई। और एक ह्यूज वर्डेंट एक लेलिन निकला है, वाओ। ये जो लेलिन वाला पोकेमॉन है ना ये सिर्फ स्पेशल लोकेशन में मिलता है, जैसे कि आई थिंक सेंचुरी 1 में मिलता है। स्वेपा निकला है एक, ओके मेरे पास और एक ह्यूज फ्रोजन एग है, रेप्टेरोक्स निकला है भाई, क्या बात है भाई। और यहाँ से क्या निकल रहा है, डायनोसम लक्स मोटिवेशनल लीडर भाई, स्किल्स तो काफ़ी बड़े बड़े हैं यार, वाटर प्रूफ स्किल्स भी काफ़ी बड़े बड़े, पावर ऑफ गीगा ये कौन सा स्किल है। ओह मैं तो सारे स्किल्स चेक करने वाला था यार, कुछ स्किल्स चेक करने भूल गया, चलो अच्छा ही हुआ। यूनिवोल्ट भाई साहब, यूनिवोल्ट निकला है भाई, मैंने सोचा नहीं था यूनिवोल्ट निकलेगा। मोजारिना, हर एक टाइप के पोकेमॉन निकल रहा है, हर एक टाइप के पोकेमॉन। ओके ये अंडा भी खराब है, ये अंडा भी खराब है यार, सारे अंडा खराब हो क्यों रहा है, आई थिंक सो अंडे ऐसे ओपन में रख दिया इसीलिए अंडा खराब हो रहा है। और ये देखो फेलरिस निकला है, अर्थ एम्पर और स्विफ्ट, क्या बात है। ये कौन सा एक था मैंने देखा भी नहीं था, मैल पर निकला एक, ओके यू सॉचिंग एक, यहाँ से क्या निकलता है दिखता है, फेलरिस निकल रहा है यार, ये फायर टाइप का बना है, ये सारे फायर टाइप का बना है यार, फेलरिस और द एम्परर फिरोसियस यार, इतने बड़े बड़े स्किल्स। ये अंडा भी खराब हो गया, काफी सारे अंडे खराब हो रहा है, ठीक है काफी सारे अंडे खराब हो रहा है। लार्ज कॉमन एक लुनारिस निकला है और गल्फ्स एग्निस निकला है, ओके। खैर गाइस रुको, यहाँ पर काफी सारे डार्क एग है, यहाँ से कौन सा पोकेमॉन निकलता है, कॉग्निटो निकला है भाई, पहली बार कॉग्निटो निकला है इतने देर से, इंसिड्रम नॉक्ट, काफी महंगे महंगे पोकेमॉन, नॉक्स निकला है, नॉक्स यार ये काफी स्पेशल पोकेमॉन है, आपको पता नहीं है ये काफी स्पेशल पोकेमॉन है, इसको लेके मैं अलग ही एपिसोड बनाने वाला हूँ एक, ठीक है। इस पोकेमॉन को मैं फुल मैक्स करने वाला हूँ, नॉक्स को, कौन कौन चाहते हो मैं नॉक्स को फुल मैक्स करूँ बोलो, मुझे जरूर से कमेंट में बताना। फिलहाल के लिए यहाँ पर हिल जेफर निकला है, ठीक है यहाँ पर एक ह्यूज रॉकी एग है, एनुबिस निकला है भाई, इतने देर बाद एनुबिस निकला है भाई, हर एक टाइप के अलग अलग पोकेमॉन निकला है, डेप्रेजो निकला है, मतलब हर एक पोकेमॉन से अलग अलग, ओके ये अंडा भी खराब हो गया है, हर एक अंडे से अलग अलग टाइप के पोकेमॉन निकल रहा है यार। जर्मुंटेडिग्निस यार, सोचा नहीं था जर्मुंटेडिग्निस निकलेगा, मैमोरेस्ट स्वीट वैंगर्ड यार भाई काफी खतरनाक, ये अंडा भी खराब हो, काफी सारे अंडे खराब हो रहा है गाइस, काफी सारे अंडे खराब हो रहा है, ठीक है हम कुछ कर नहीं सकते इसके लिए। तो देखो ये अंडा भी खराब हो गया है, ओके चलिए देखते हैं। यहाँ पर लार्ज ड्रैगन एक है, एल्फी ड्रन निकला है, ओके एल्फी ड्रन नाइस पोकेमॉन, इसको मैंने अभी तक यूज नहीं करा है। फेलरिस निकला है यहाँ से एक, यहाँ से क्या निकला है, फेलरिस, ओके आई थिंक सो यहाँ पे फेलरिस के अंडे मैंने रखे थे काफी सारे, ये भी फेलरिस, ये भी फेलरिस निकला है, ओके 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 ओके, ओके। काफ़ी सारे पोकेमॉन वो हो चुका है, जमा हो चुका है मेरे पास, इंक्यूबेट करना पड़ेगा, बहुत सारे फेलरिस हो चुके हैं ना, अभी फेलरिस को मैक्स करने वाले हैं हम लोग। और रात भी हो चुका है गाइस, सोने चलते हैं, कल सुबह ही आके काम करेंगे हम लोग, और हमारा बिस्तर बगल में ही है यार, टू नाइट से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, लगातार टू नाइट से कर रहा हूँ भाई, ठीक है ओके। बाकी अंडे को अनलॉक करते हैं, लेकिन उसके पहले गाइस हम लोगों को अपने फेलरिस को भी मैक्स आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेरे पास फेलरिस के जितने भी अंडे हैं ये सारे अंडे तो मुझे चाहिए, तो मैं इन सबको अंदर डालता हूँ पहले। तो यार वो देखो कितने सारे अंडे भाई, 1 2 3 4 20 अंडे भाई, एक साथ में 20 अंडे ये लोग निकाल रहे हैं भाई, एक साथ में 20 अंडे तक। अच्छा वाला फेलरिस है जिसके पास चार चार स्किल्स होगा, ऐसा वाला फेलरिस ठीक है ना, उसको हम लोग मैक्स करने वाले हैं। ओके इसके पास तीन स्किल्स है, ठीक है, स्ट्रांग होल्ड स्विफ्ट मोटिवेशन लीडर, स्ट्रगन फिरोसियस आर्टिसन, ओके चलेगा ये भी चलेगा, दोनों ही चलेगा भाई, स्ट्रांग होल्ड स्ट्रेटेजिस्ट।
फिर से पाल बॉक्स फुल हो गया भाई। भाई जितने बार कर रहा हूँ पाल बॉक्स फुल ही हो जा रहा है। ज़्यादा आगे तक आ गया मैं, दो चार पोकेमन वहाँ पे गिर भी गया है। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, इनको मुझे फटाफट करना पड़ेगा कंडेंस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई, थोड़ा सा तो मैं अच्छे इस, देखो ये ट्विस्टर तक है ना, इसको हम लोग कर रहे हैं कंडेंस, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ओके देखो जैसे ही 64 फैलिटीज मैंने ले लिया ना, 64 पोकेमैन को मैंने एक्सट्रैक्ट करने के लिए ले लिया, उसके बाद मेरे पास जितने भी एक्स्ट्रा पोकेमैन है फैलिटीज, और भी दो पोकेमैन एक्स्ट्रा बच गया है, ठीक है, इनको मैं कंडेंस नहीं कर सकता इसके साथ, मतलब दूसरे के साथ मैं कर सकता हूँ लेकिन इसके साथ नहीं कर सकता। इनको हम लोग बाद में ब्रीड कर सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, ठीक है, सेलर से। फिलहाल तो इसका लेवल हम लोग कर दिया है, कितना इसका लेवल हम लोगों ने कर दिया पूरा 4 स्टार तक। और रुको, मेरे पास ग्रीसबोल्ड आ चुका है, फ्रॉस्ट्रेलियन आ चुका है, और फेलरिस भी आ चुका है, वो भी 4 स्टार तक का। भाई 4 स्टार तक है लेकिन इसका लेवल 1 है भाई, इसका लेवल 1 है, इसको हम लोग 50 लेवल तक करने वाले हैं, ठीक है। सो 50 लेवल तक करने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे ट्रेनिंग मैनुअल है जिससे मैं इसका लेवल 50 तक कर सकता हूँ एक ही झटके में। रुको गाइस, मेरा वो सारे ट्रेनिंग मैनुअल मैंने शायद से अपने मेन बेस में छोड़ के आया है, तो मेरे पास और भी ट्रेनिंग मैनुअल थे। ओके देखो देखो यहाँ पर है, यहाँ पर एक सिर वाले 39 है, 39 ट्रेनिंग मैनुअल, एंड यहाँ पर मैं पहले इसको छोड़ता हूँ, इसके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग मैनुअल लगाते हैं। 48 लेवल होगा भाई एक ही बार में, 50 लेवल भी होगा, नाइस। गिल क्लॉ भी लेवल 50 कर देता हूँ, ग्रीस बोल्ट का भी लेवल मैं 50 कर देता हूँ, 49 50, चलो भाई सारे 50 लेवल कर दिया। ओके इसका मैं सैडल भी अनलॉक कर सकता हूँ फैलरिस का, मेरे पास फैलरिस का सैडल नहीं है। ओके अभी देखो गाइस, मैंने काफ़ी सारा सैडल अनलॉक करने वाला, अभी फ्रॉस्ट्रेलियन के भी सैडल अनलॉक करूँगा। ओके मिला, ये है फैलरिस का सैडल, फिलहाल मुझे एक ही चाहिए था। चलो यार एनोबिस बना देगा, इसके बाद फ्रॉस्ट्रेलियन के भी सैडल हम लोगों को अनलॉक करना गाइस, देखो सारे सेडल एक बार में अनलॉक कर लूँगा अभी मैं, वरना बाद में टाइम लगने वाला है। एक तो ले लिया, एंड फ्रॉस्ट्रेलियन का एक भी सेडल चाहिए। ओए एनोबिस कहाँ जा रहा है, इधर आ जा, ओए बेटा फ्रॉस्ट्रेलियन का सेडल बना के जा भाई, बेचारा खाना खाने जा रहा है क्या। ओके ओके एक आ रहा है, एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, नाइस। फिलहाल हम लोग फैलिस के ऊपर बैठ के देखते हैं कैसा लगता है। ओ काफ़ी सही लग रहा भाई, ये कौन सा अटैक है, अच्छा ये ऐसा मारने वाला है क्या, और ये इग्निस ब्रीथ कैसा देता है। अरे अरे किधर मार रहा है भाई, किधर मार रहा है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ पे मार रहा था। और इसको भी लेके मैं थोड़ा सा ऊपर जा सकता हूँ क्या, आई थिंक सो, मैं थोड़ा सा ऊपर तो इसको भी लेके जा सकता हूँ। ये देखो ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जटर डैगन से थोड़ा स्लो है भाई, जटर डैगन से थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि इसके पास जो स्किल्स है ना वो रनर वाले स्किल्स नहीं है, जटर डैगन के पास रनर वाला स्किल है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको नीचे लेके चल, काफी ऊपर चला गया था, अभी ऊपर से नीचे गिर जाता तो फिर ये मर जाता भाई। फिलहाल इसका हो चुका है 50 लेवल, इसके साथ मैं बॉस लेवल का फैलरिस जो है ना उसका फाइट कराने वाला हूँ। फाइनली फ्रॉस्टलिन का भी सेडल मैंने अनलॉक कर दिया है, अभी मैं फ्रॉस्टलिन के ऊपर बैठने वाला हूँ, अब तो आएगा मजा। वो देखो 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 गाइस, देखो देखो कैसे मैं चल पा रहा हूँ, अब आएगा मजा यार, मैं हवे में चल रहा हूँ यार, हवे में चल रहा हूँ गाइस, वो हवे में चल रहा हूँ यार, मजा आ गया, वो भाई मजा आ गया यार, फ्रॉस्टलैंड के ऊपर बैठ के चलने का मजा ही कुछ अलग होता है भाई। देखो ऊपर भी जा रहा है, अरे अरे चल के ऊपर जा रहा है, कैसे जा रहा है, बीच में सीढ़ी भी नहीं है, ऊपर जा रहा है गाइस। क्योंकि मेरे पास अभी दो मेरे पास अभी पोकेमन आ चुका है मैक्स लेवल का, बॉस पोकेमन ग्रीसबोल्ड और फैलरिस, और इसी टावर में एक बहुत ही खतरनाक सा 2 लाख हेल्थ वाला एक बॉस पोकेमन रहता है। अभी फिलहाल मैं इसके साथ मैं अपने बॉस पोकेमन का फाइट कराने वाला हूँ। तो पहले तो सबसे पहले मैं नीचे चलता हूँ, देखो फैलरिस फ्रॉस्टलेंस के ऊपर ही बैठ के मैं वहाँ से मेरे बेस से यहाँ पर आ गया भाई, मजा आ गया यार, देखते हैं इस बॉस को मैं हरा पाऊंगा कि नहीं, देखता है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं बेलनियर लिब्रो को ये हरा पाता है कि नहीं हरा पाता है। ओ अच्छा ये कौन है, ये लेलिन नॉट है क्या, यार लेलिन है आई थिंक सो, देखते हैं कौन है। हाँ लेलिन है भाई ये तो, देखते हैं इससे कौन सा पोकेमन निकलता है। हाँ लेलिन है, 69,000 हेल्थ है। नहीं 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 मैं इसको नहीं मारने वाला हूँ, इससे तो मैं फाइट ले लिया था यार,
भिखारी में आ गया यहाँ पे। नहीं यार मुझे तेरे साथ फाइट नहीं लेना है। ओके ओके मुझे याद आया, मुझे याद आया, हम लोग को जाना है PIDF टावर में जाना है। ठीक है हम लोग को जाना है ये वाला आइलैंड में या फिर ये वाला आइलैंड में, आई थिंक सो वहाँ पर एक PIDF टावर है। देखो बस अभी चलते हैं ये वाले टावर में। ये देखो PIDF टावर, इसी टावर में आने वाला था मैं, गलती से उस टावर में चला गया था। ओके सो यहीं पे PIDF टावर। अरे 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 सुजा को मेरे पीछे लगने वाला था, सुजा को मेरे पीछे लगने वाला था। देखते हैं इस बॉस को हरा रहा पाते हैं कि नहीं हरा पाते हैं। इसको तो मैं हरा दूंगा ठीक है ना, इसको कट करते। ओके देखो 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 ये फैल दीज है ठीक है, इसके आगे मैं अपने बॉस फेलरिस को लगाने वाला हूँ। चल बेटा जा, देखते हैं फेलरिस वर्सेस फेलरिस। बट यार वो जो फेलरिस है ना उसके पास इलेक्ट्रिक का पावर है, मेरे फेलरिस के पास इलेक्ट्रिक पावर नहीं है भाई, मेरे फेलरिस के पास इलेक्ट्रिक पावर नहीं है। इसको सारे पावर दिलवाना पड़ेगा। देखो वो अटैक ही नहीं कर रहा है। मार, क्या कर रहा है, मार बेटा मार। ये अभी अभी कर रहा है। ओके 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 इलेक्ट्रिक अटैक दिया इसने क्या यार, कौन किसको अटैक दे रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। मार ना भाई मार भाई, फायर इग्निस क्या मार रहा है। ओके ये फायर बॉल फेंक रहा है। ओके थोड़ा सा ही उसका कम हुआ, थोड़ा सा ही कम हुआ, थोड़ा सा ही कम हो रहा है। फेलरिस वर्सेस फेलरिस का यहाँ पर अटैक हो रहा है, बट मेरा फेलरिस तो इसके आगे फीका पड़ रहा है यार, मेरा फेलरिस इसके आगे फीका पड़ रहा है गाइस। वो देखो अटैक ही नहीं दे पा रहा है, अटैक ही नहीं दे पा रहा है यार, उसके पास स्किल्स ही नहीं है, उसके पास स्किल्स नहीं है, अटैक स्किल्स नहीं है उसके पास। उसके अंदर सारे अटैक स्किल्स मुझे डालना पड़ेगा। फेलरिस कुछ काम ही नहीं दे रहा है। मैं इसके आगे ग्रिसबोर्ड को छोड़ दूँ क्या। 1,38,000 हेल्थ कर दिया। नहीं नहीं ये कुछ काम में नहीं आएगा, मुझे इसके आगे जटर डगन को छोड़ना पड़ेगा आई थिंक सो। देखते जटर डगन क्या काम में आता है। मार जटर डगन मार। ओके जटर डगन थोड़ा सा ज्यादा जल्दी जल्दी अटैक दे रहा है इसके ऊपर। ओके 1,30,000 हेल्थ कर दिया इसका। ओ, 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 मुझे मारने वाला था, मुझे मारने वाला था। जटर डगन भी कुछ खास कर नहीं पा रहा है भाई, पर इसका हेल्थ देखो। ओ हो ये मेरे ऊपर अटैक दे रहा है, मेरा हेल्थ डाउन कर रहा है भाई, ये मेरा हेल्थ डाउन कर रहा है, मेरा हेल्थ डाउन कर रहा है। मार जटर डगन मार। 1,29,000 हेल्थ कर दिया, कुछ खास हेल्थ कर नहीं पा रहा है गाइस ठीक है। मैं जो सोचा था मेरा जो फेलरिस था वो शायद से इस बॉस फेलरिस को हरा देगा, लेकिन मेरे फेलरिस के पास वो सारे स्किल्स नहीं है जो इस बॉस टावर के पास है, तो मुझे ये सारे स्किल्स भी इसके अंदर डालना पड़ेगा। और उसके लिए हमें अपने फेलरिस को बहुत सारे अटैक स्किल्स सिखाने के लिए वो अटैक स्किल्स वाले फ्रूट खिलाना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए तो अभी सुबह होने वाला है कि रात होने वाला है, आई थिंक सो रात होने वाला है। मैं जल्दी जल्दी चला जाता हूँ सोने के लिए, या फिर अभी भी सुबह हुआ है पता नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके अभी अभी शायद शाम हुआ है ठीक है, मैं सो के आता हूँ ठीक है। रुको 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 सो के आता हूँ मैं। सो जा बेटा, हो चुका है और एक प्यारा सा सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस। और मैंने अपने सारे फ्रूट्स कहाँ पर रखे थे, यहाँ पर मैंने देखो कितने सारे फ्रूट रखे हैं। मेरे पास डार्क अटैक वाले फ्रूट भी है, ड्रैगन अटैक वाले फ्रूट भी है, इलेक्ट्रिक अटैक वाले फ्रूट भी है ठीक है। और इसका पावर देखो भाई 120 है, इसको लेते हैं। ओके मैं अपने फेलरिस को ना ये तीन टाइप के फ्रूट खिलाने वाला हूँ ठीक है। पहले तो इलेक्ट्रिक टाइप फ्रूट खिलाते हैं। चलो इसके पास इलेक्ट्रिक का भी अटैक आ जाएगा। फिर फायर स्किल वाले फ्रूट खिलाते हैं दो। ओके फायर स्किल वाले फ्रूट इसे नहीं चाहिए, ग्रिस बोल्ट को खिला देता हूँ ठीक है। ग्रिस बोल्ट के पास फायर वाले अटैक आ जाएंगे। फ्रॉस्टिंग को भी खिला दिया, फ्रॉस्टिंग पर आ गया। ओके ड्रैगन स्किल वाले फ्रूट फेलरिस को खिला दिया। अब देखते हैं अपने फेलरिस के पास कौन से अटैक इसके खिला चुका है। फेनिक्स फ्लेयर आ चुका है, इग्निस रेंज आ चुका है, फायर बॉल आ चुका है भाई, सारे खतरनाक खतरनाक अटैक आ चुका है भाई ठीक है। इग्निस रेंज ये नहीं चाहिए था हमें, लाइटनिंग ये स्ट्राइक वाला चाहिए ठीक है। चलो जो वो बॉस वाले फेलरिस के पास है, फाइनली ये सारे अटैक इसके पास आ चुका है।
अब लास्ट टाइम मैं और एक बार चलता हूँ उस फेलिस के साथ रिक्रूट करने के लिए, फिर देखते क्या होता है। वो वाला बॉस था यहीं पे। ओके यहाँ पर है पीआईडीएफ टावर। इसके साथ थोड़ा फाइट लेता हूँ, रुको रुको रुको, इसके साथ फाइट, ये सारे टोको टोको के साथ फाइट लेता हूँ। अरे ग्रिस्बोल्ड तू आ जा भाई, तू आ जा भाई, तू आ जा भाई, मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है। ले ले ले, मेरे फैलिस के साथ फाइट ले, मेरे फैलिस के साथ फाइट ले, लो लो सारे मेरे फैलिस के साथ फाइट लो यार। ओके ओके ओके, अरे 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 मार भाई मार, वो तुझे मार रहा है यार, ये लोग तुमसे मार ही नहीं रहा था, सब अपने आप मर रहा है, सब अपने आप मर रहा है, सब अपने आप मर रहा है। सुधा को भी आ रहा है, सुधा को भी आ रहा है। अरे अरे भाई साहब इतने सारे पोकेमॉन, अरे यार जल्दी अंदर चलते यार, ये वरना ये सारे मुझे मारने लगे। नो 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 नो, चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो भाई, इनसे कौन फाइट लेगा फालतू में। अभी मैं इनके साथ में अपना फैलिस का फाइट कराने वाला हूँ। वो देखो अब देखते भाई कैसा अटैक देता है मेरा फैलिस इसके आगे। ओ आते आते अटैक देना स्टार्ट कर दिया भाई साहब, आते आते अटैक देना स्टार्ट कर दिया यार। नाइस, इलेक्ट्रिक अटैक भी आ चुका है इसके पास, फायरबॉल का अटैक भी आ चुका है, क्या ही बात है भाई, सारे अटैक दे रहा है अभी तो, सारे अटैक दे रहा है ये। चल बेटा मेरे फैलिस से तू आज जीत के दिखा, मेरे फैलिस से तू आज जीत के दिखा यार, इसको तो मैं आज डिफीट करके रहूँगा। अरे अरे मैं आ चुका था, अंदर आ चुका था। नो 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 नो, ये मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है। नाइस, 1,39,000 भाई साहब, काफ़ी जल्दी जल्दी हेल्थ डाउन कर रहा है मेरा फैलिस, इसके ऊपर काफ़ी आसानी से अटैक दे पा रहा है, लेकिन इसका अटैक थोड़ा सा स्लो जा रहा है, अटैक थोड़ा सा स्लो जा रहा है यार, इसको थोड़ा सा और हम लोगों को स्किल्स देना पड़ेगा, अटैक थोड़ा सा स्लो जा रहा है। देखो देखो 3 मिनट हो चुका है और इसका हेल्थ लगभग 20,000 ही इसने कम कर पाया है, इससे ज़्यादा तेज़ तो यार मेरा ग्रिस्बोल्ड कर देगा। देखते ग्रिस्बोल्ड कैसे अटैक देता है इसके ऊपर। मार ग्रिस्बोल्ड, ओ ग्रिस्बोल्ड के पास फायर अटैक आ चुका है भाई, मानना पड़ेगा भाई ग्रिस्बोल्ड के पास फायर अटैक आ चुका है भाई साहब, क्या है गजब का अटैक दे रहा है ग्रिस्बोल्ड, फायर अटैक कर रहा है ग्रिस्बोल्ड। देखो गाइस कभी देखा है ग्रिस्बोल्ड को फायर अटैक करते हुए भाई, मुझे अटैक देने लगता है। चलो गाइस 1,20,000 फायर बॉल अटैक दे रहा है, बच गया जट अटैकन को छोड़ता भाई, 6 मिनट टाइम है हमारे पास, इसको हरा रहा है, जट अटैकन को छोड़ दिया, देखते हैं कैसा जाता है अटैक भाई। हरा दे यार इसको, हरा दे इसको, हराने का कब से कोशिश कर रहा हूँ मैं भाई। फोर स्टार फैलिस लाया इसके सामने, फिर भी इसका हेल्थ भाई ये डाउन ही नहीं कर पा रहा है, मुझे लग रहा है 4 स्टार जट अटैकन लाना पड़ेगा इसके आगे यार। ओके 4 स्टार जट अटैकन लाना पड़ेगा इसके आगे। 1 लाख हेल्थ हुआ है, लास्ट तक हम लोग फाइट लेते हैं, और 5 मिनट बचा हुआ है, और 5 मिनट बचा हुआ है हमारे पास, और 5 मिनट में कितना अटैक करता है देखता है जट अटैकर, कितना अटैक करता है और 5 मिनट में देखता है भाई। यार आगे पीछे क्या घूम रहा है, मार उसे, आगे पीछे घूम रहा है, मार दे वो, देखो आगे पीछे घूम रहा है, मार ही नहीं रहा है आगे पीछे, वो देखो घूम रहा है, वो देखो कैसे घूम रहा है भाई, मार भाई। ओके मारा, इतने देर बाद मारा, वो जब अटैक कर रहा है तब ये भी अटैक दे रहा है, एक साथ में अटैक क्यों दे रहा है, अलग अलग अटैक दे दे। ये वाला अटैक लीजेंडरी अटैक दिया जट अटैकर ने, उसका लीजेंडरी अटैक दिया भाई, लीजेंडरी अटैक दे दिया जट अटैकर ने अपना। अभी मरने वाला था। 1 लाख हेल्थ कर दिया भाई साहब, इसका हेल्थ डाउन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है इसका हेल्थ डाउन करने के लिए मुझे 4 स्टार लेवल का जट अटैकर इसके आगे मुझे लाना पड़ेगा फिलहाल के लिए। आज जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ यार, मुझे लगा था 4 स्टार का फैलिस इसके आगे आसानी से फाइट कर सकता है, लेकिन वो फाइट नहीं कर पाया। सो गाइस फिलहाल के लिए मैं अभी जाने वाला हूँ जट अटैकर को 4 स्टार तक करने के लिए।
सो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो गाइस कैसा लगा आज का ये प्यारा सा वीडियो मुझे जरूर से बताना कमेंट सेक्शन पर, और आप लोग भी बताना मुझे कमेंट में कौन से ऐसे पोकेमॉन को मैं मैक्स करूँ और या फिर कौन से खतरनाक से पोकेमॉन को मैं ब्रीड करूँ जिससे बहुत ही खतरनाक से पोकेमॉन निकल सकता है। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।